इस मूवी में एक खुले विचारों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसे अपने संतरे सबको दिखाने का शौक होता है। जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जवान हसीन लड़की को देखते हैं। उसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसकी मेड उसे जल्दी करने के लिए कहती। लेकिन नैन्सी आराम से मजे लेकर नहाने में बिजी थी सी। बीच नैन्सी के घर में दो मोंक आते। हेनरी के पेरेंट्स उन्हें लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी नैन्सी नहाकर बाथरूम से निकल जाती है। दोनों मोंक आंखें फाड़कर जेनी को देखने लगते हैं, क्योंकि नैन्सी बिना कपड़ों के होती है। ये देख नैन्सी के डैड उसे जल्दी से कमरे के अंदर भेज देते हैं और वो मोंक से माफी मांगते हैं। नैन्सी कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली होती है, उसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। कुछ देर बाद मोंक वहां से चले जाते हैं। नैन्सी भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। यूके जाने से पहले वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं गंदे लड़कों से दूर रहना। इसके बाद नैन्सी अपनी माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती। गाड़ी में बैठकर वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है। उसका नाम मेक होता है। इसके बाद नैन्सी मेक को कॉल करती है और उसे भी अपने साथ यूके आने के लिए कहती। मेक नैन्सी को मना कर देता है क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। मेक की न सुनने के बाद जेनी उदास हो जाती। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर नैन्सी अपनी दोस्त एना से मिलती। एना को उसका बॉयफ्रेंड एयरपोर्ट छोड़ने आया था। इसके बाद सू एना को गले लगाकर कहता है काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं तुम्हारे साथ यूके जा सकता। है सुनने के बाद नैन्सी अपना टिकट सू के नाम पर करा देती। नैन्सी के इस बिहेवियर से एना और सू बहुत खुश हो जाते। दरअसल नैन्सी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पर अकेले रहकर मजे कर सके। इसके बाद नैन्सी एना को कुछ लेटर्स देते हुए कहती है यूके जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को सेंड करना। इसके बाद नैन्सी एयरपोर्ट से निकल जाती। एयरपोर्ट से निकलते टाइम उसकी नजर एक कपल पर जाती। यहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने आया था। अमगर उसकी वाइफ के जाते ही वो आदमी नैन्सी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता। उसकी वाइफ आज घर पर नहीं रहेगी इसलिए वो आज रात नैन्सी के साथ मजे करना चाहता। पहले तो नैन्सी उसे मना कर देती है लेकिन जब वो देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है तो वो जानबूझकर वाइफ को दिखाते हुए उसकी कार में बैठ जाती। बाद वो आदमी नैन्सी को लेकर अपने घर पहुंच जाता। यहाँ नैन्सी फिर से अपने कपड़े निकाल कर बैठ जाती है। ये देख कर वो आदमी नैन्सी से पूछता है क्या तुम कोई मॉडल हो। इस पर जेनी कहती है नहीं मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। वो आदमी जेनी से कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और फिर वो नैन्सी को टच करता है। नैन्सी उसके गंदे इरादे समझ जाती है लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी उसकी वाइफ यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है और इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकती है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी घर पर पहुँच जाती है। ये देखते ही नैन्सी वहाँ से भाग जाती है और उन दोनों कपल्स के बीच लड़ाई होने लगती है। इधर नैन्सी बिना कपड़ों के ही रोड पर निकल आई थी। नैन्सी को देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी को ठोक देता है। कुछ देर बाद नैन्सी शहर के भीड़ भाड़ से दूर अकेले बैठकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। इंजॉय करने के लिए नैन्सी हांगकांग चली आती है। नैन्सी को अकेले देखकर दो आदमी उसके पास आते हैं और उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। नैन्सी भी उनकी गाड़ी में जल्दी से बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग नैन्सी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी रोककर नैन्सी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं। इस पर नैन्सी उन दोनों को रोकते हुए कहती है तुम जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही तुम दोनों के साथ टपाटप करना चाहती हूँ। यह सुनकर दोनों शोक हो जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर नैन्सी उनके आंखों में स्प्रे कर देती है और उनके सामान फोड़ कर वो कार लेकर वहां से निकल जाती है। उन दोनों के जबरदस्ती करने की वजह से नैन्सी के कपड़े काफी फट गए थे, जिसके बाद वो बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलने लगती है। पास ही बैठा एक कपल नैन्सी को ऐसा करता देख हैरान हो जाता है। इसके बाद नैन्सी कार लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी इसलिए नैन्सी उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और अपना सामान उठाकर आगे चल देती है। नैन्सी के जाने के बाद वो दोनों आदमी भी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देख वो पुलिस से कहते हैं ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमारी गाड़ी चुरा ली थी। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और पुलिस उनकी गाड़ी का चालान कर देती है। फिर हम नैन्सी को देखते हैं। वो एक होटल के बालकनी में बैठी हुई थी, तभी उसे अपने बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं।
फिर वो उस कमरे में झांक कर देखती है। वहां एक कपल टपाटप करने में बिजी था। इसके बाद नैन्सी आराम से बैठकर उनके मैच को देखने लगती है। फिर जब वो कपल नैन्सी को बैठा हुआ देखते हैं तो वो बुरा मानने के बजाय नैन्सी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी नैन्सी के जैसे खुले विचारों वाले थे। नैन्सी के पूछने पर लड़का अपना नाम जो कि बताता है और लड़की का नाम मैरी होता है। शाम में नैन्सी उन दोनों के साथ समंदर किनारे काफी इंजॉय करती है। मस्ती करने के बाद तीनों वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। नैन्सी जो कि से पूछती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? इस पर जो कि नैन्सी से कहता है, मैं मैरी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं अपने लाइफ के हर एक पल को इंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद जो कि नैन्सी से आगे कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक उस रिलेशन में प्यार का एहसास हो। अगर प्यार का एहसास नहीं तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। नैन्सी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। उसे जोकी की कही हर बात सही लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद दोनों नैन्सी को बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नैन्सी अकेले ही बीच में यहाँ वहां घूमने लगती है। फिर हम डेव को देखते ही डेव वहीं बैठकर नैन्सी को देख रहा था। फिर नैन्सी डेव के पास जाकर उससे दोस्ती कर लेती है। फिर हम नैन्सी को डेव के घर पर देखते हैं। थके होने की वजह से नैन्सी डेव के बेड पर ही सो जाती है। फिर नैन्सी उठकर डेव के साथ ही खाना खाती है। खाना खाने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। यहीं पर नैन्सी डेव से पूछती है, तुमने मुझे जब पहली बार देखा था तो क्या तुम्हें मेरे साथ गपागप करने का मन किया था? इस पर डेव हाँ कहता है, जिसके बाद नैन्सी डेव से गंदी गंदी बातें करते हुए नैन्सी अपने कपड़े निकलकर अपने शरीर को दिखाने लगती है। डेव भी नैन्सी को टच करने लगता है। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी करते थे। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन नैन्सी डेव के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। फिर वह एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगती है। नैन्सी के रस भरे शरीर को देखकर दुकान का मालिक भी नैन्सी के साथ गपागप करने का सोचता है और जेनी को पटाने के लिए वह नैन्सी को चश्मा और एक कपड़ा फ्री में देता है। ये देखकर डेव को अच्छा नहीं लगता है और फिर वह नैन्सी को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर शाम में एक बार में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम उन तीनों को उसी बाग में देखते हैं। बाद में नैन्सी काफी ज्यादा पी लेती है और इसके बाद वह दुकानदार के साथ डांस करने लगती है। गाड़ी वाले दोनों लड़के भी इसी बात में पहुंच जाते हैं। नैन्सी को डेव के साथ देखकर वह समझ जाते हैं डेव नैन्सी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वह डेव को बाथरूम में आकर कहते हैं, नैन्सी एक धंधे वाली लड़की है और एक बार पानी निकालने के लिए वह काफी पैसे लेती है। डेव उनसे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर वह झूठ बोलते हुए कहते हैं, हमने नैन्सी को पैसे देकर उसकी खुदाई की थी। लेकिन डेव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वह उनकी बातों को इग्नोर करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह देखता है दुकानदार नैन्सी को यहाँ वहाँ टच कर रहा है और नैन्सी उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं रही है। यह देखकर डेव का दिल टूट जाता है और वह अपने घर लौट जाता है। उसके जाने के बाद नैन्सी भी दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहां से निकल जाती है डेव को। अब उन दोनों लड़कों की बातों पर यकीन आ गया था। इसके बाद जब नैन्सी घर पर आती है तो डेव उसे धंधे वाली कहकर अपने घर से निकाल देता है, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। इसीलिए नैन्सी रात बिताने के लिए एक होटल में कमरा ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी होटल से निकलकर रोड पर घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात जोकी से होती है। नैन्सी उसे अपने और डेव के बारे में सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर जोकी उसे समझाते हुए कहता है, डेव तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। जोकी की बातें सुनकर नैन्सी डेव से मिलने उसके घर पर पहुंच जाती है। यहाँ डेव का दोस्त गेट खोलता है। अंदर आकर नैन्सी देखती है डेव ने दीवारों पर उसकी तस्वीर बना रखी है। इसके बाद वह डेव से मिलकर सारी बातें एक्सप्लेन करती है। डेव भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर नैन्सी को गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।